हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करते हैं हमारे अपने नए ब्लॉग पे। दोस्तों, आज मैं दाल भर के पूड़ी बनाने जा रही हूँ। आप पूरा वीडियो फॉलो कीजिए और देखिए और कमेंट कीजिए प्लीज। देखिए, एक कटोरी दाल मैंने उबाल दी हूँ फुला करके। इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए डाली थी। उसके बाद पानी निचोड़ कर इसको हरा मिर्चा और जीरा डाल करके उबाली हूँ। मेथी उसके बाद पीसी हूँ। पीसने के बाद आटा गूँथ लेती हूँ। दोस्तों, दाल भर के पूड़ी बनाने के लिए ज़्यादा कोई ये नहीं है। आप देख सकते हो, बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल तरीका से बनता है। स्टफिंग करने में तो बहुत ही आराम से स्टफ हो जाता है। इसमें पूड़ी को फटना नहीं चाहिए। पूड़ी को फटने से पूरा ही तेल उसमें अंदर चले जाता है। दोस्तों देखिए, एक एक करके इसको इसमें भर ले रही हूँ। भरने के बाद बाउल बना के आप देख सकते हो कितना इजी है बनाने में। दोस्तों, हमारे यहाँ तो इस तरह से बनता है। हम इसी तरह से बनाते हैं। आप कैसे बनाते हैं प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पूड़ी तैयार हो गया है। एक एक करके सब ऐसे ही तल लेंगे और इसको चटनी के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए या खीर के साथ खाइए। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, एक एक करके सब ऐसे ही तल लेंगे। फूला फूला पूड़ी बन रहा है। मेरा वीडियो पूरा आप देखिए प्लीज, और इसी तरह एक बार बना करके खाइए पूरे फैमिली। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो मेरा पूरा हो गया।